हेलो एवरीवन, माय सेल्फ किशोर शेखावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स इको फॉर नीट 2022 फर्स्ट का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें टॉपिक यूनिट मेजरमेंट वेक्टर एंड वन डायमेंशन मोशन है, जिसमें टोटल हम 90 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। प्रयास करें कि जितने क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो सब के सब अच्छे से आपके क्लियर हो जाएं, और एग्जाम में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है कि ए और बी दो हमारे पास वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट ए के ठीक 90 पे है, परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में ए और बी के बीच एंगल कितना होगा। जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर ए है, ये वेक्टर कौन सा है, बी, और ये इनका रिजल्टेंट है कैपिटल आर। आर ए से एंगल बना रहा है अल्फा और आर बी से एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है जी, तो जो एंगल अल्फा बीटा होते हैं, जिसमें से आप ये देखेगा कि ए के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा, उसका वैल्यू अपन जानते हैं कितना होता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। पर हमसे कहा कि अल्फा कितना है, यानी ए से जो बना एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है, तो हम क्या लिखेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा जो है 1090 आपको दे रखा है। यानी आप इसमें ये समझो कि हमको यहां दे रखा है टेन अल्फा, इस अल्फा की वैल्यू हमको दी जा रही है 90 डिग्री, और टेन 90 वो होता है साइन 90 अपॉन कॉस 90। नीट के बच्चे के लिए आप इसको ऐसे समझ लें कि टेन 90 इक्वल टू कितना, साइन 90 अपॉन कॉस 90। अच्छा, साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0। ठीक है जी, अब इन दोनों को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी साइन थीटा इंटू 0, 0 बन गया। ठीक है, तो 0 किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा इंटू 1 के, तो a प्लस बी कोस थीटा इंटू 1, तो क्या a प्लस बी कोस हो गया, पर इसकी वैल्यू कितनी आई, 0 हो गई ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको अपन सॉल्व करें आगे, तो हमारे पास जो b कोस थीटा है ये हो जाएगा माइनस का 1, और इससे फिर अपन निकालते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस का a अपॉन b। ठीक है साहब, तो थीटा हमारे पास कितना है, कोस इनवर्स माइनस ए बाई बी, कोस इनवर्स माइनस ए बाई बी, यानी सेकंड इसका आंसर आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी का परिणामी ए से अल्फा बी से बीटा कोण बनाता है, तो उस कंडीशन में कौन सा रिलेशन आपका सही है। ठीक है, ए और बी का रिजल्टेंट ए से अल्फा और बी से बीटा बनाता है, तो समान एंगल आप जानते हैं कि जैसे जो हमारे पास वेक्टर हुआ करते हैं, मान लीजिए वेक्टर आपका फर्स्ट ए है और सेकंड वेक्टर मान लीजिए हमारे पास ये बी है, दोनों में से आप देखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी है वो कैसा, ए से बड़ा है, मैंने यहाँ पर बी का जो परिमाण है ए से बड़ा ले रखा है। उस कंडीशन में अगर हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम है या पैरेललोग्राम थ्योरम जो होती है उसके अकॉर्डिंग अपन फाइंड करते हैं, तो ये इसका रिजल्टेंट आया। देखो उस केस में ये आपका एंगल अल्फा है, ये एंगल कौन सा आपका बीटा है। तो जब हम लोग अल्फा बीटा को मेजर करते हैं तो उस कंडीशन में ये पाते हैं हम लोग कि अगर ए का वैल्यू, ए जो है उसका परिमाण बी से ज़्यादा होता है, यानी जो वेक्टर जितना ज़्यादा होता है ना, रिजल्टेंट उसके उतना ही करीब होता है। इसका मतलब, करीब का मतलब जिसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसके साथ आर जो एंगल बनाता हुआ हमेशा कम आएगा, तो अल्फा इज लेस देन बीटा। अगर मान लीजिए ए जो है इसका मैग्नीट्यूड है कैसा, बी से छोटा हो जाएगा, उस कंडीशन में अल्फा कैसा है, मोर देन बीटा हो जाता है। और अगर ए इज इक्वल टू बी है उस कंडीशन में अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। यानी अगर ए और बी दोनों ठीक इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, उस कंडीशन में रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के ठीक मिड में पाया जाता है, वो कंडीशन आपको मिल जाती है। तो आप देखें ये कह रहा है कि अल्फा लेस देन बीटा हमेशा पॉसिबल नहीं है साहब, इक्वल भी हो सकता है, बड़ा पॉसिबल है और छोटा ही पॉसिबल है, सारे पॉसिबल हैं, तो ये तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है अल्फा बीटा से कम है, ए बी से कम है, ये तो कंडीशन लागू नहीं हो सकती ना। पर ये जो लिखा है अल्फा अगर बीटा से कम है, और कब होगा, जब ए का वैल्यू बी से बड़ा होगा, ये तो बात हुई ना, इसका मतलब थर्ड इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सदिश i माइनस टू जे के अलोंग एकांक सदिश क्या होता है, यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। यदि इसको अपन वेक्टर a मान लें, तो हमारे पास वेक्टर a जो है उसका वैल्यू हमारे पास कितना है, i माइनस टू जे, इसका अपन निकालते हैं यूनिट वेक्टर, वो होता है क्या, वेक्टर
अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास कितना है, आई केप माइनस का 2j केप अपॉन इसका परिमाण, तो 1 ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ये, माइनस का 2 स्क्वायर, तो माइनस का 2 स्क्वायर हम लिखें और इसका अपन कर दें मॉड। तो देखिएगा ये है i केप माइनस का 2j केप अपॉन 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस 2 का 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, रूट 5, तो i माइनस 2j अपॉन रूट 5, i माइनस 2j अपॉन रूट 5, ये थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो अगला है कि a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड है, तो उस कंडीशन में a और b के बीच का एंगल कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन देखो, a डॉट b होता है कितना है, a b cos थीटा, अगेन a क्रॉस b का मॉड, यानी ये हुआ आपके सामने सामने देखो a b sin थीटा, ए बी से ए बी आप कर दें कैंसिल, साइन अपॉन कोस कितना 10, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा कितना हुआ 45, 45 मीन पाई बाय 4, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वेक्टर हमारे पास है माइनस आई माइनस जे और पूछा है सेकंड, ये फर्स्ट वेक्टर है ये सेकंड, और इनके बीच आपसे एंगल पूछा है, तो इसको तो अपन डॉट गुणा से फाइंड कर सकते हैं। डॉट गुणा से अपन फाइंड करते हैं, तो कोस थीटा हमारे पास आया करता है ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप इनका डॉट गुणा कर लीजिएगा, तो माइनस वन इंटू माइनस वन क्या होता है प्लस वन, फिर प्लस माइनस वन इंटू प्लस वन कितना हो गया माइनस वन अपॉन ए का परिमाण बी का परिमाण, तो माइनस वन ये वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर कितना रूट टू, इसका भी कितना रूट टू, तो ये हो गया टू, बट ऊपर कितना जीरो अपॉन टू हो गया, यानी जीरो। जब कोस थीटा जीरो है इसका मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो तो क्वेश्चन आपका कि मेरे पास वेक्टर ए और बी है, तो आपसे पूछा है वेक्टर ए का बी के अनुदिश घटक का परिमाण कितना है। जैसे हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, मान लीजिए यह वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर वेक्टर ए, इसको मान लो वेक्टर बी, इनके बीच एंगल थीटा है साहब। यदि ए का अपन करें कंपोनेंट टुवर्ड्स बी, तो ए कॉस थीटा, ये इसका जो कंपोनेंट बनेगा ये हो गया ए कॉस थीटा, और हमें जस्ट इस ए कॉस थीटा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो आप जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है साहब, हमको फाइंड करना है ए कॉस थीटा, तो a cos यहां से कितना आया, देखो a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन b का परिमाण, b का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप a डॉट b निकाल लें, तो ax into bx 2 into a कितना हो गया 2, ठीक है साहब, प्लस फिर प्लस 3 और प्लस 1, तो 3 into 1 कितना हो गया 3, तो 2 plus 3 अपॉन a का मैग्नीट्यूड या b का हमको फाइंड करना मैग्नीट्यूड, तो 1 ax कितना 1 है और हमारे पास सॉरी bx हमारे पास 1 है और by कितना है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर का रूट, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, रूट 2 हो जाएगा भाई, तो 2 प्लस 3 यानी 5 अपॉन रूट 2, इसका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, हमारे पास दो वेक्टर हैं 10 और 5, पूछा है कि इनका रिजल्टेंट कभी भी ये नहीं हो सकता है, कौन सा इनका रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, वो आपसे पूछा है। तो इनको अगर अपन लें सेम डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम इनका रिजल्टेंट कितना हुआ 10 प्लस 5, यदि इनको लें अपन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका कम से कम हुआ कितना 10 माइनस 5, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है उसकी जो रेंज हम लोग निकालते हैं आर, वो कितनी है 10 माइनस 5, 2 कितना 10 प्लस 5, तो आप इनको चेक करिए, देखो ये हो गया 5 कम से कम और मैक्सिमम कितना 15, तो 5 न्यूटन से लेकर के 15 न्यूटन तक पॉसिबल है, बियॉन्ड 15 पॉसिबल नहीं है और 5 से कम पॉसिबल नहीं है। हमको दे रखा है 7 पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है, 15 पॉसिबल है, बट 3 पॉसिबल नहीं होगा। अगले पे आते हैं साहब, आपसे पूछा वेक्टर 3i केप माइनस 8k केप का वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या है, प्रक्षेप क्या है, तो इसका मतलब देखो आप कि जैसे मेरा जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए मान लीजिएगा, और इसको अपन लिख रहे हैं ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड
के के, ये वेक्टर है। इसमें हमसे ये पूछे कि इसका एक्स एक्सिस पर प्रक्षेप कौन सा है, तो ए एक्स है। वाई एक्सिस पर प्रक्षेप कौन सा है, ए वाई है। और जेड पे कौन सा है, ए जेड। तो जो वेक्टर आपको दे रखा है वो है कितना, देखो 3i के प्लस 0j के और माइनस एट के के। तो इसलिए ax कितना 3 है, ay हमारे पास कितना 0 है, और आपको तो y एक्स से पूछा ना, वो तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, यदि a इज इक्वल टू 5i के 10j के माइनस k के, और b दे रखा है वेक्टर हमको, और ये पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी, ए और बी दे रखे हैं, साथ में a वेक्टर और थर्ड c जिसको अपन कह रहे हैं, ये क्या है, तीनों का सम कैसा है, x अक्ष के अलोंग एक एकांक सदिश है, यानी x अक्ष के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जो कौन होता है, i के। कौन होगा, i के। ठीक है साहब, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू i के। हमको पूछा थर्ड वेक्टर c, तो c का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, i के माइनस का a प्लस बी। तो i से हम क्या करेंगे, a प्लस बी को ऐड करके माइनस कर देंगे। जब इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो 5i और 3i, देखो इसमें i के, तो a प्लस बी हमारे पास कितना, देखो 5 प्लस 3 कितना, 8i के। अगेन देखो 10j के और 4j दोनों प्लस के हैं, कितना 14j के। माइनस k के यहां 0 है, तो कितना माइनस का k के। अभी माइनस के साथ इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो i केप माइनस कितना 8i केप और माइनस का 14j केप और ये हो गया प्लस का k केप। यहाँ से वैल्यू कितनी, माइनस का 7i केप, तो माइनस 7i केप माइनस का 14j केप और प्लस k केप, कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 10th पे। आपसे पूछा कौन सा इसमें से एकांक सदिश नहीं है, यूनिट वेक्टर कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, और जिसका अपन यूज करते हैं ओनली फॉर डायरेक्शन को पता करने के लिए, दर्शाने के लिए। तो 4i के जिसका मैग्नीट्यूड कितना 4 हुआ, रॉन्ग है साहब, ये 1/√2 माइनस 1/2, तो इसका अपन निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हुआ, 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4, 3/4, ये तो 1 तो नहीं हुआ साहब, उसका रूट करना पड़ेगा। 1 प्लस j, इसका रूट इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट टू हो गया साहब, ये 1 नहीं है। इसको अपन चेक करते हैं फोर्थ, इसका देखो आप मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अगर इसको वेक्टर मान ले अपन, वेक्टर a जिसका वैल्यू हमारे पास है 3/5 i के माइनस का 4/5 j के, तो ये हमारे पास है कौन सी वैल्यू, ए एक्स, और ये कौन सा है साहब, ए वाई, ए एक्स और ए वाई। तो अपन ज्ञात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड, 3/5 का स्क्वायर 9/25 प्लस 4/5 का स्क्वायर 16/25 और इनका रूट, इसका एलसीएम कितना है देखो 25, 9 प्लस 16 कितना, ये भी 25, तो 25/25 1, रूट ऑफ 1 1। तो यही वो एक वेक्टर है जिसका परिमाण, जिसका मापांक कितना आ रहा है, 1। इसलिए ये किसको शो करेगा, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन देखो, a प्लस बी डॉट a क्रॉस b का वैल्यू कितना होगा। तो आप इसमें ये समझो कि मान लीजिए मेरे पास वेक्टर ये फर्स्ट वेक्टर a है, ये है सेकंड वेक्टर हमारे पास b, a, और इसको हम चेक करें a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी, तो आप देखो ये हमारे पास जो r हम लोग यूज कर रहे हैं वेक्टर a प्लस बी, तो अगर a और b किसी प्लेन में है तो आप जानते हैं a प्लस बी तो a और b से बने किसी तल में ही तो होगा ना, जबकि a क्रॉस b जो हम फाइंड करते हैं a क्रॉस b ठीक इसके 90 पे होगा। तो यहाँ a वेक्टर इस साइड में है, b हमारे पास इस तरफ है और a प्लस बी इस डायरेक्शन में, जबकि a क्रॉस b कहाँ, ठीक इसके 90 पे है, ठीक इसके 90 पे। जब a प्लस बी इस साइड में है, a क्रॉस b ठीक इसके 90 पे है, तो दो वेक्टर ठीक 90 पे होते हैं तो उनका डॉट गुणा हमेशा कितना, 0 होता है। इसलिए a प्लस बी जो हमेशा a क्रॉस b के 90 पे हैं, तो इनका डॉट गुणा कितना आ जाता है, 0। तो हमारा राइट आंसर है इसमें थर्ड। नेक्स्ट, वेक्टर फर्स्ट
आपको दे रखा है और आपसे पूछा है, तो ए की जेड एक्सिस के अनुदिश जो दिक कोजा है वो कितनी है। तो हमें इसमें पूछा है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर ए, तो हमें पूछा है कोस जेड एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन कोसाइन पूछी है, तो ये हमसे पूछा है कोस गामा। तो कोस गामा इक्वल टू होता है ए जेड बाई ए। जैसे कोस अल्फा ए एक्स अपॉन ए, कोस बीटा क्या बन जाएगा ए वाई अपॉन ए, और कोस गामा कौन सा है ए जेड बाई ए। तो मुझे बताइए इसमें ए जेड हमारे पास कितना है 2, और ए है इसका मैग्नीट्यूड, तो 5 का 25, माइनस 4 का 16, प्लस 2 का 4, और इसका अपन कर दें रूट, तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 25 45, रूट ऑफ 45, तो 2 अपॉन रूट 45, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले पे आइए साहब, आपसे पूछा है कोई वेक्टर ए है जो तीनों अक्षों, तीन जो हमारे पास एक्सिस हैं एक्स वाई और जेड, उनके पास उनके साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हमें पूछा है कि तो इसके एक घटक का मान कितना होगा, वो भी ए के पदों में आपसे पूछा है। तो हमको मालूम है, जैसे हम पढ़ते हैं इसमें कि जो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है ना। जैसे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ अल्फा बीटा गामा जो आपका 3D वेक्टर होता है R, अल्फा एक्स अक्ष से बना कोण है, बीटा आपका वाई से बना कोण है, गामा कौन सा जेड से बना कोण है। हमें कह रहा है कि ये तीनों एंगल कैसे इक्वल हैं, तो तीनों एंगल की इक्वल मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो अगर मैं अल्फा बीटा इक्वल इनको सबको इक्वल मान लूँ, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बीटा भी अल्फा है गामा भी अल्फा है, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ऐसी स्थिति में ये हो गया 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, और इससे अपन फाइंड करते हैं कोस अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा मेरे पास है 1/3, उसका रूट हम करें तो 1/√3। ऐसी स्थिति में देखो, अब हम फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर ए कोस अल्फा, बी कोस अल्फा, और ए कोस अल्फा, ए कोस बीटा, ए कोस गामा। तो एक की टर्म्स में आपसे पूछा है, तो ए कोस अल्फा यानी ए बाय रूट 3, तो सेकंड आंसर इसका आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3। इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप देखिएगा, ये है आई प्लस 2j प्लस 2k प्लस 2k, तो ये आप ये थोड़ा सा करेक्शन ध्यान करना, बाकी कोई इसमें इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा है कि एक हमारे पास कोई वेक्टर है ए और वेक्टर बी है, तो थर्ड वेक्टर सी क्या हो, थर्ड वेक्टर आपको सी पूछा है, तो सी है क्या, सी इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो कह रहा है कि सी इस प्रकार है कि जिसका मैग्नीट्यूड कैसा बी के बराबर है, यानी बी का मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन ए के अलोंग यानी ए के, तो फाइंड कर लो बी का मैग्नीट्यूड कितना। देखो बी का मैग्नीट्यूड तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 का रूट इनटू ए केप, तो ए हमारे पास था देखो आई केप प्लस 2j केप और प्लस 2k केप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 का रूट, तो 36 प्लस 4 कितना हुआ 40 प्लस 9 49, रूट ऑफ 49 कितना हुआ 7, तो ये तो हुआ देखो आपके सामने सामने 7, 4 प्लस 4 कितना 8 प्लस 1 9, 9 का रूट कितना होता है 3, तो 7/3, और ये है देखो आई केप प्लस 2j केप और प्लस 2k केप, तो राइट आंसर आपका है आई केप प्लस 2j केप प्लस 2k केप, और जिसका मल्टीप्लाई कौन है 7/3, तो फर्स्ट इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय संवेग क्या है। तो कोणीय संवेग जानते हैं एक अक्षीय सदिश होता है, आप जानते हैं दो प्रकार के वेक्टर होते हैं पोलर और कौन सा एक्सियल, जिसमें से जो रेखीय गति से संबंधित होते हैं वो कौन से होते हैं पोलर, और जो एंगुलर मोशन से रिलेटेड होते हैं उनको हम कहते हैं
अक्ष सदिश, जैसे आपका टॉर्क वगैरह है, ये सब किसमें इसमें शामिल होंगे, जैसे आपका वेलोसिटी, वेग है, संवेग है, बल है, वो सारे कौन से पोलर वेक्टर में काउंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी इज इक्वल टू, वेक्टर पी इक्वल टू क्यू है, यानी पी ही क्यू है, पी ही क्यू है, जो मैग्नीट्यूड पी का है वही क्यू का है, जो डायरेक्शन पी का है वही किसका है, क्यू का है, सब कुछ पी की प्रॉपर्टी क्यू जैसी है, तो पी का डायरेक्शन क्यू के जैसा है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी कैसे इक्वल हैं, और जब पी के डायरेक्शन क्यू के रूप में है तो पी को अपन क्या लिखते हैं, वेक्टर पी इज इक्वल टू इसका परिमाण इनटू इसकी डायरेक्शन, क्यू को अपन क्या लिखेंगे, क्यू इज इक्वल टू कौन सा है, क्यू का परिमाण इनटू क्यू की डायरेक्शन। अब हम ये कह रहे हैं साहब कि पी की डायरेक्शन क्यू की डायरेक्शन है, तो हम ये कह सकते हैं ना पी इनटू क्यू के या क्यू इनटू पी के, तो दोनों सही है, तो ये आपस में बराबर है, परंतु पी और क्यू ये तो कैसा है, वेक्टर प्लस वेक्टर, और ये डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन, जो एक सही रिलेशन आपका नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, निम्न से कौन सा सेट है वो रिजल्टेंट जीरो नहीं देगा, तो इसमें आप क्या करें कि जो आपके पास वेक्टर है ये 20 दो वेक्टर आप कोई सा, जो मैक्सिमम दो वेक्टर हैं उनको आप ले लें, जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम यहाँ पे कौन से ये वाले हैं, यहाँ मैक्सिमम कौन से ये वाले हैं, यहाँ मैक्सिमम कौन से ये वाले हैं, यहाँ मैक्सिमम ये वाले हैं, और इन दोनों का आप ये चेक कर लें कि रेंज कितना पॉसिबल है, तो इनकी रेंज कितनी, मेरे को इनका डिफरेंस कितना, जीरो, मैक्सिमम कितना 40, तो जो इसका रिजल्टेंट पॉसिबल है वो इनके बीच पॉसिबल है। अब यदि इस रेंज में थर्ड आपका आ जाता है तो जीरो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यहां से अपन चेक करेंगे तो देखो इससे मिनिमम कितना हुआ, इसका डिफरेंस कितना है 20, इनका सम कितना 60, तो अब यहां इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 से लेकर के 60 तक रिजल्टेंट है वो ले सकते हैं, तो रिमेनिंग कितना है 20 पॉसिबल है। पर इसमें देखो यहां पर ये 40 और 60 इनका डिफरेंस कितना हुआ 20, और इनका सम कितना है 100, तो इससे हम लोग कम से कम कितना 20 और मैक्सिमम 100 तक रिजल्टेंट है वो यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो एंगल को वेरी करने से आएगा, और देखो थर्ड कितना 20 पॉसिबल है। पर इससे पर निकालेंगे तो 80 माइनस का 40, तो इसका डिफरेंस कितना है, देखो 40, कम से कम इसका रिजल्टेंट कितना पॉसिबल होगा 40। उसके बाद आप ये चेक करो कि जो हमारे पास वैल्यू है इनका सम कितना है 120 80 माइनस 40, तो इनका जीरो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। इसमें एक काम और कर सकते हो आप कि जो मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम जैसे इसमें मैक्सिमम कितना 80 है, तो मैक्सिमम के इक्वल आप एक वेक्टर एज्यूम कर लो, ये आपका 80 है। अब जो रिमेनिंग है उन दोनों को अगर अपन सम करके अपोजिट करें, देखो तो कितना है ये 40 प्लस 20 60, वाह, तो 80 प्लस और उसके अगेंस्ट में दोनों को अपन जोड़ करके भी अगर अपोजिट में अप्लाई करेंगे तो भी देखो रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल नहीं है, तो इससे किसी भी हालत में जीरो पॉसिबल नहीं हो सकता। जबकि यहाँ देखो ये 40 है, तो मैक्सिमम वेक्टर आप बनाओ कितना 40, जो रिमेनिंग है उनको अपन जोड़ें कितना 20 प्लस 20 40, तो इन दोनों को सम करके अपन लगा दें अपोजिट में तो जीरो पॉसिबल है। यहाँ चेक कर लो हमारे पास कितना है 60, दोनों सम करो अपोजिट करके ऐड कर दो, यहाँ भी जीरो पॉसिबल है। बाकी ये तीन वेक्टर हमारे पास है, तीनों तो अगर कितने होंगे 120 के एंगल पे, तो जीरो पॉसिबल है, तो बहुत सारे इसके तरीके होते हैं, तो इन सब से हमारा रिजल्ट फाइनली कहाँ पहुँचेगा कि फोर्थ में जीरो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो सदिशों के योग का परिमाण, जैसे ए प्लस बी का मोड, ए प्लस बी दो हमारे पास वेक्टर हैं, इनका मोड वो इन सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है, यानी वेक्टर ए माइनस बी के बराबर है, तो ए प्लस बी का मोड क्या हुआ, देखो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, इसको अपन इस तरफ ले आते हैं, तो 2ab प्लस 2 कितना हो गया 4ab cos थीटा, जिसका वैल्यू कितना है साहब 4ab cos थीटा इज इक्वल टू
जीरो, फोर ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, कोस थीटा इक्वल टू जीरो, तो एंगल कितना हो जाएगा आपका 90। नेक्स्ट, दो बल दो फोर्स हमारे पास है जिनकी वैल्यू कितनी है 5 और 12, तो बोला कि किस एंगल पे इनको अपन ऐड करें जिससे कि इनका रिजल्टेंट 70 न्यूटन है, 7 और 13 पॉसिबल हो जाए। तो 17 तो क्या दोनों का सम है ना, जो कब पॉसिबल है सेम डायरेक्शन पे होने पर, और 7 इनका डिफरेंस है जो होगा कितना 180 पर, और 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट कितना होता है 13, तो 90 पे होगा। सिंपल है ना, ये कितना है 0 डिग्री पे होने पर, ये कौन सा आपका 180 पे और ये 90 पे, 0 पे 180 पे और 90 पे, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगले में आइए साहब, बेसिक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, सबको आना चाहिए। तो किसी बॉडी पे तीन फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, आपसे कहा है कि वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट होने के लिए, यानी इस जो हमारे पास तीन बल हैं 1, 4 और 2, इनका रिजल्टेंट केवल वाई दिशा में होना चाहिए, तो उसके लिए हम इसमें कौन सा एडिशनल वेक्टर है वो ऐड करें, वो आपसे पूछ रहा है। तो आप ये सोचो साहब कि जब रिजल्टेंट इसका वाई में ही लेना है, वाई में इसका रिजल्टेंट कब होगा, जब एक्स एक्सिस के अलोंग इसका रिजल्टेंट कितना हो जाए 0। तो आप एक तो ये देखो कि 4 और 2 जो हैं वो अपोजिट हैं, तो इन दोनों का तो नेट कितना हुआ 2 न्यूटन हुआ। तो आप ऐसे मान लो कि अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ 4 माइनस 2 के बाद, तो हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हुआ जस्ट 2 न्यूटन हुआ। अब आप ये देखो कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका नेट कितना है 0 है, इसका मान तो ऐसे मान लो आप, जैसे हमारे पास ये 1 वेक्टर है 1 न्यूटन है, इसका आप करो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, तो क्या लिखूंगा देखो 1 cos 60, तो 1 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2 n.5, तो ऐसा मान लो क्या कि इसका फर्स्ट वेक्टर जो है एक्स प्लस में है ना, तो ऐसे कर दूं 0.5 i के, जो 2 न्यूटन है अगर इस एंगल को देखो आप, ये 30 का तो ये कितना हुआ 60 का, तो 2 न्यूटन का अपन करते हैं इसके इस तरफ कंपोनेंट, तो 2 न्यूटन ये एंगल देखो कितना 60 का है, तो 2 n ये भी कितना है cos 60 पर ये नेगेटिव एक्सिस में है, तो 2 इंटू कितना 1/2, तो 1 आ गया, पर नेगेटिव में है तो माइनस का 1 i के। अब मैं ऐसे एज्यूम कर लूँ कि मान लो हमारे पास ये कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मान लो मैं ए बी सी डी वेक्टर मान लेता हूँ, तो इन सबको जोड़ने पर रिजल्टेंट कितना आना चाहिए 0। तो ये डी कौन सा, वो एडिशनल वेक्टर है जिसको जोड़ने से एक्स एक्सिस के अलोंग नेट कितना हो जाए 0। तो अब सोचो आप, यहाँ हमारे पास वैल्यू कितना है इन दोनों का, रिजल्टेंट कितना साहब 0.5 i के, माइनस का 1 i के, तो ये है माइनस का 0.5 i के, और प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, और इससे अपन सॉल्व करेंगे तो डी इज इक्वल टू आया प्लस का 0.5 i के, यानी थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। इसमें उल्टा पूछता कि अगर इसका रिजल्टेंट एक्स एक्स में हो तो वाई की तरफ सारे कंपोनेंट करके अपन उसको 0 कर देंगे, और उसके लिए सिर्फ अपन वाई की तरफ कौन कौन से फोर्स हैं उनको सबको ऐड करेंगे और उसके साथ कोई अदर वेक्टर ऐड करके 0 कर देंगे, और फिर यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा वो ये बताएगा कि अब एक्स एक्सिस में नेट कितना 0 है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के लिए सत्य कथन कौन सा है। तो एक तो पहला इसमें बोला है कि यूनिट सिस्टम जो है यानी मात्र पद्धति है उसको चेंज करने से इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कन्वर्ट नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, जबकि आप जानते हैं कि जी को जो वैल्यू होता है ये होता है कितना है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, और इसी को अपन बदलते हैं सीजीएस में तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है माइनस का एट। इसका मतलब और भी किसमें, सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। तो यूनिट सिस्टम के कन्वर्ट होने से बदलने से, सिस्टम ऑफ यूनिट के बदलने से इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बदलता है, जबकि ये भी जानते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, बिल्कुल अपन इसको फाइंड कर सकते हैं -1 m^-1 l^3 और t^-2 होता है, इसको अपन फाइंड कर सकते हैं, और इसका अपन यूनिट निकालते हैं तो क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, यहाँ लिखा है kg^1, ये रॉन्ग है,
ये भी कैसा है, बोला कि बदलता नहीं जबकि बदलता ना, ये भी रॉन्ग है। और ये एक सदिश राशि है साहब, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो वेक्टर तो पॉसिबल नहीं है ना, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा आपका आएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखो, एक कण है वो ओरिजिन से चल करके एक्सवाई प्लेन में एक सरल रेखा में चल रहा है। जैसे मान लो ये ओरिजिन है और एक्सवाई प्लेन, ये मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में चल रहा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इसके जो कोऑर्डिनेट है रूट थ्री और थ्री हो गए, रूट थ्री और मान लो ये अब दोनों प्लस के ही हैं, मान लो इस तरफ मूव कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास है, रूट थ्री और थ्री। इसका मतलब इसको अपन एज्यूम करें रूट थ्री और ये कितना हो जाएगा साहब, थ्री। तो ऐसी सूरत में जो ये वेक्टर है वो कह रहा है कि इसके पथ द्वारा एक्स एक्स के साथ बना कोण कौन सा है, यानी एक्स से कोण बना गया कितना है, इसको अपन अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा कितना होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, तो हमारे पास वैल्यू कितना है, थ्री बाई रूट थ्री, जिसको अपन लिखते हैं रूट थ्री। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आपका है थर्ड। ऐसा लिखा होता कि थ्री कोमा रूट थ्री, तो यहां बनेगा कितना, रूट थ्री बाई थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, आंसर आपका हो जाता कितना, फर्स्ट। नेक्स्ट पे आइए, आपको बोला है कि 10 न्यूटन के हमारे पास 5 फोर्स हैं और किसी एक ही पॉइंट पे वो अप्लाई हो रहे हैं और सारे एक ही प्लेन में हैं, तो उनके बीच एंगल कितना, सॉरी उनके बीच एंगल कितने हैं, सारे बराबर हैं, तो इनका परिणामी कितना होता है। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। मान लो दो हमारे पास फोर्स हैं एफ और एफ, अपोजिट हैं, इनके बीच एंगल कितना, 180 का है, नेट कितना, 0 होता है। तीन फोर्स मान लीजिए हमारे पास कितने हैं, तीन फोर्स कितना, 2π/3, यानी पाई बाई 2π/3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ये 120। जितने फोर्स होते हैं जैसे 2π/n, अगर हमारे पास n फोर्स इक्वल एंगल पे अप्लाई हो रहे हों, सेम प्लेन में हों, तो हमेशा उनका रिजल्टेंट कितना, 0 होता है। शर्त यह है सारे सेम एंड्रोड के होने चाहिए और सारे के सारे, या तो सारे कैसे हों, सारे एक सेम प्लेन में होने चाहिए, और अगर इनके बीच एंगल कैसे इक्वल हैं, तो हमेशा नेट कितना, 0 होगा। दो वेक्टर 180 पे, तीन किस पर, 120 पे, चार कितने, 90 पे, पांच कितना, 72 पे, छह कितना, 60 पे, और इस तरह 10 कितना, 36 डिग्री पर। अगर इस तरह से आपस में ऐड होते हैं तो हमेशा इनका नेट कितना, 0 आता है। तो ये नंबर ऑफ फोर्सेस पर डिपेंड नहीं करेगा, बस शर्त है सारे इक्वल होने चाहिए और उनके बीच एंगल कितना सेम होना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे बोला कि 3 न्यूटन और 2 न्यूटन के दो बल हैं थीटा कोण पर, तो इस प्रकार ये अप्लाई हो रहे हैं कि इन दोनों का परिणामी कितना आ रहा है, 3 और 2 का रिजल्टेंट कितना आ रहा है, एंगल इनका बीच कितना थीटा दे रखा है, तो कितना होगा। देखो अपन पढ़ते हैं ना, वेक्टर r इक्वल टू होता है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो फर्स्ट वेक्टर कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, सेकंड कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 4, फिर 2ab, 3 × 2 कितना, 6 × 2 कितना हुआ, 12 cos थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट इसकी इक्वेशन बन गई। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट वेक्टर को हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर को 6 न्यूटन तक अपन ने बढ़ा दिया। फर्स्ट कितना था हमारे पास, 3, कितना हो चुका अब, 6 हो चुका। तो इसलिए अब इसका नया जो मैग्नीट्यूड है वो बोला है कि कितना हो चुका है, 2r। तो अगेन हम लिखें इसको, तो r डैश स्क्वायर कितना, a डैश स्क्वायर प्लस b, तो उतना ही है, तो a डैश स्क्वायर प्लस कितना, b स्क्वायर प्लस कितना, 2ab, और a अगेन कितना, a डैश, तो उसको अपन अप्लाई करेंगे, तो 3 हो चुका है 6, उसका स्क्वायर कितना, 36, प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 4, प्लस 6 × 2 कितना, 12, इंटू उसका डबल कितना, 24 cos थीटा, और ये कितना है, 2r। तो इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, 4r का स्क्वायर। आप सुनो जी, अगर इसको अपन ऐड करें, 36 प्लस 4 कितना हुआ, 40, और प्लस कितना, 24 cos थीटा, तो 4r स्क्वायर। अगर इसमें से आप क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लें, और यहाँ से अपन 4 कॉमन लेंगे, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 10, और ये कितना हुआ, 6। तो आप देखिएगा, यह बना r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 6 cos थीटा, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। यहाँ r स्क्वायर मेरे पास ये वैल्यू है, यहाँ कितना मेरे पास ये है, दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर कितना है, 9 प्लस 4 13 प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू कितना है, 10 प्लस 6 cos थीटा।
13 प्लस 12 कोस इक्वल टू 10 प्लस 6, 10 को आप इस तरफ लेके आए तो 13 माइनस 10 कितना हुआ 3, और इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस कितना हो गया 6 कोस थीटा इज इक्वल टू 0, या 6 कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है माइनस का 3, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना माइनस का 3/6 या माइनस का 1/2, और माइनस हाफ कितना होता है 120। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कोई ऑब्जेक्ट है 30 मीटर पर सेकंड चल रहा है किस तरफ पूर्व में, आफ्टर 10 सेकंड इसकी वेलोसिटी किस तरफ है उत्तर में, तो वस्तु का औसत त्वरण कितना एवरेज इसकी पूछी अपने को वैल्यू को किसकी एक्सेलरेशन की। तो आपसे मालूम है कि ए जो एवरेज होता है वो है कितना डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी v फाइनल माइनस कौन सा v इनिशियल अपॉन डेल्टा t। तो v फाइनल हमारे पास कितना है 40 मीटर नॉर्थ की साइड में, तो क्या लिखें इसको 40 j k, माइनस ये पहले कितना 30 पूर्व की तरफ, तो इसको लिखें 30 i k, अपॉन टाइम हमारे पास कितना है 10, तो 14 j k माइनस 13 i k अपॉन 10, और इसका हमको पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना है, और सब दे रखे हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो देखिएगा 14 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 14 j k माइनस का 13 i k, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 15, इसका जो मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे ना तो हमारे पास है 50 और 10 का कितना 10, इसे कैंसिल, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल जो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ये इनिशियल है कौन सा फाइनल, तो आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या फाइनल माइनस इनिशियल, 9 माइनस का 3 कितना, तो 9 माइनस इनटू माइनस का 3 12, तो 12 मीटर आई केप। फिर है 2 जे केप माइनस का 2 जे केप 0, ठीक है साहब, माइनस 8 में से अपन 8 माइनस करेंगे तो 16, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। जस्ट आपको डिफरेंस करके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट देखो, एक कोई फोर्स है दे रखा अपने को, एक पार्टिकल पे लगाया जा रहा है जो इसे मूल बिंदु से r इक्वल टू 2i-1j k मीटर तक डिस्प्लेस कर रहा है, तो पूछा कि फोर्स द्वारा कितना कार्य हो रहा है, तो बेसिक एक डॉट गुणा का प्रोडक्ट सिंपल एक एप्लीकेशन है, तो w इज इक्वल टू कितना होता है f डॉट d, f हमारे पास कितना है 5i k और प्लस 3j k, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है साहब, ये है जस्ट 2i k माइनस का 1j k, क्रॉस को क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, और ये आपका हो गया माइनस का 3, तो 10 माइनस 3 यानी प्लस 7j k, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बिंदु पे कार्य करने वाले दो बलों के परिमाणों का योग कितना 18 है, उनके परिणामी का परिमाण कितना है 12, दो है उनका सम तो कितना 18 है, मान लो अपने पास दो फोर्स हैं F1 प्लस F2, इनका सम कितना है 18, उनके परिणामी का परिमाण रिजल्टेंट जो R है वो हमारे पास कितना है 12, और यदि परिणामी जो है छोटे से कितना 90 डिग्री पर है, जैसे मान लो ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है A, ये कौन सा है सेकंड वेक्टर B, और जो रिजल्टेंट है वो कैसा फर्स्ट से 90 डिग्री पर है, ये इसका रिजल्टेंट है। तो अगर इनके अपन मैग्नीट्यूड मान लो ले मैं, तो मैं इसमें इसको जो फर्स्ट वेक्टर को F1 मान रहा हूँ, सेकंड को F2 मान रहा हूँ, तो अगर इसको मैं x मान लूँ, यानी इसको अपन x मान लें, तो x प्लस कितना F2 इज इक्वल टू हमारे पास 18 है, तो F2 कितना हुआ 18 माइनस x, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या हमारे पास 18 माइनस का x, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है r हमारे पास कितना है 12, ओके। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें फर्स्ट वेक्टर कौन सा x है, सेकंड कौन सा 18 माइनस का x, और इन दोनों का परिणामी कितना है 12। अब जानते हैं इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना ये होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम ये होता है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 18 माइनस x है इसका स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x मिल जाएगा 5 और सेकंड मिल जाएगा कौन सा 18 माइनस 5 जिसको हम करेंगे 13, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसको,
नेक्स्ट देखो, आपसे बोला है कि वेक्टर ओ ए, यानी ओ ए जिसका डायरेक्शन है ओ से ए की तरफ, ये फर्स्ट वेक्टर है। ओ बी, ओ से बी की तरफ, ये आपका सेकंड वेक्टर। ओ सी, ओ से सी की तरफ, ये कौन सा है? थर्ड वेक्टर। ये सब एंगल दे रखे हैं आपको। तो और आप देखो इसकी लेंथ कितनी है आर, इसकी लेंथ कितनी भी आर, इसकी लेंथ भी कितनी आर। ये जो ओ ए और ओ सी, ये दोनों किस एंगल पे हैं? देखो आप, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे, तो इनका नेट कितना होगा? इनका नेट है रूट टू आर, और ठीक बीच में। और यहाँ पहले से ए वेक्टर कौन सा आपका? ओ से बी की तरफ, यानी रूट टू आर। तो मैंने ओ ए और ओ सी का ले रखा है रिजल्टेंट। ओ बी पहले से कितना है? देखो ये हमारे पास वेक्टर आर। अब आर और रूट टू आर सेम डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? जो नेट इसका अपन निकालेंगे, रिजल्टेंट आर नेट, वो इन दोनों का सम है आर प्लस रूट टू आर। यानी इसमें से आर अपन कॉमन लेंगे तो वन प्लस रूट टू, और ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, तो वन प्लस रूट टू इंटू आर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लेंथ का यूनिट नहीं है? माइक्रोन लेंथ का यूनिट है, और वन माइक्रोन का मतलब होता है 10^-6 मीटर। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, जो अपन जानते हैं प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय दूरी होती है, तो इसका भी मान कैसा होता है? लाइट ईयर भी एक डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस लेंथ ही तो है तरह से ना। एंगस्ट्रॉम जानते हो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना? 10^-10 मीटर, ये भी लेंथ है। पर रेडियन क्या? एंगल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें दे रखा है एक सूत्र, पी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस का एच सी बाई एक्स। पी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस का एच सी बाई एक्स, जहां एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी प्रकाश की चाल है, तो एक्स का आपसे पूछा है कि वी में सूत्र है वो कितना है। तो हमें मालूम है कि जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर जो होती है, वो हमेशा डायमेंशनलेस होती है। तो अपन ये कह सकते हैं ना कि एच सी बाई एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनलेस मतलब वन, तो एच सी इक्वल टू क्या हो गया? एक्स हो गया। हमें तो एक्स का पूछा, तो एक्स एक्चुअली है क्या? एक्स है एच इंटू सी, एक्स हो जाएगा एच इंटू सी। अब देखो यहां पे अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे चेक करें? या तो अपने को पता हो कि एच की डायमेंशन क्या, सी की पता हो, या आप देखो कि एच सी बाई जो लेमडा होता है इक्वल टू एनर्जी होता है। ये अपन जानते हैं ना फोटोन की जो एनर्जी होती है, इसका मतलब एच सी इक्वल टू कौन सा हुआ? ई इंटू लेमडा। तो ई एनर्जी अपन जानते हैं कितना, एम वन एल टू टी माइनस टू। लेमडा क्या? लेंथ ऑफ, लेंथ का एक प्रकार है, तो एल की पावर वन। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, एम वन एल थ्री टी की पावर माइनस का टू, एम वन एल थ्री टी की पावर माइनस का टू। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। आवेग इंपल्स क्या है? इंपल्स अगेन एक रेखीय राशि है। इंपल्स आप जानते हो ना, इंपल्स जो अपन लिखते हैं आई, वो है क्या? एफ डॉट डेल्टा टी। तो ये फोर्स की डायरेक्शन में, यानी संवेग का परिवर्तन ही है, डेल्टा पी। रेखीय संवेग के परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं, है ना। तो ये एक लीनियर क्वांटिटी है जो पोलर वेक्टर मानी जाएगी, पोलर वेक्टर की तरह से माना जाएगा। नेक्स्ट देखो, एनर्जी अपॉन मास इंटू लेंथ किसके इक्वलेंट है? तो ऊर्जा, ये जैसे इसको अपन लिखें कार्य के जैसा होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कौन सा होता है? मास इंटू लेंथ भी डिस्प्लेसमेंट के जैसा ही होता है, ये से कैंसिल, तो फोर्स बाय मास। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए, तो एम इंटू ए अपॉन कौन सा मास? एम से कैंसिल, तो ए हो जाएगा। या डायमेंशन पुट करके भी आप चेक कर सकते हो, तो ये किसके तुल्य होता है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण के जैसा होता है। नेक्स्ट देखो, एफ इज इक्वल टू ए साइन बी टी प्लस सी कोस डी टी है। तो आपसे पूछा ए बाई डी क्या है, तो आप यहां देखो ये डायमेंशन लेस होता है, इसका मतलब एफ इज इक्वल टू कितना? ए है। यानी जो डायमेंशन एफ की वही ए की, वही किसकी? सी की है। तो एफ ए और सी सेम डायमेंशन के हैं, पर हमने पूछा कौन सा? ए बाई डी। बी इंटू टी डायमेंशन लेस है, बी इंटू डी इक्वल टू वन है, इससे अपन फाइंड करेंगे तो बी हमारे पास कितना? वन अपॉन टी आएगा। डी इंटू टी, डी इंटू टी इज इक्वल डायमेंशन लेस है, तो इससे भी हमारे पास डी कितना आया? वन अपॉन टी आया।
आपसे पूछा वन ए अपॉन डी कितना है, तो देखो ए अपॉन डी, ए अपॉन डी, ए तो है फोर्स, डी क्या है वन अपॉन टी, तो ये हो गया जस्ट एफ इंटू टी। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे एम वन एल टू सॉरी एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू टी वन। तो इसको सॉल्व करने पहले हमारे पास है एम वन एल वन टी माइनस वन, एम वन एल वन टी माइनस वन, फर्स्ट इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो आप जानते हैं हमेशा हम लोग सेम जो यूनिट आप मान लीजिएगा या सेम जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है उन्हीं को ही हम परस्पर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, समान जो भौतिक राशि है उनको ही हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो जिस भी सूत्र में आप देखो एफ हमारे पास कितना है ए टी प्लस मेरे पास है बी टी स्क्वायर, तो हम इनको जोड़ रखें, जिनको जोड़ते हैं हमेशा सेम डायमेंशन के होते हैं। तो एक फॉर्मूले के दोनों साइड हमेशा सेम डायमेंशन के होते हैं, इसका मतलब जो डायमेंशन एफ का वही किसका ए टी का है, जिनको जोड़ा जाता है वो भी कैसा सेम डायमेंशन का है। तो सिंपल आप इसमें ऐसे कर लिया करो एफ इज इक्वल टू ए टी इक्वल टू कौन सा बी टी स्क्वायर, ए टी भी एफ है और बी टी स्क्वायर भी कौन सा एफ ही। इससे अपन ए निकालते हैं, ए हमारे पास कितना एफ अपॉन टी आएगा और बी हम लोग फाइंड करेंगे तो एफ अपॉन कितना टी स्क्वायर। तो एफ बाई टी, एफ बाई टी, एफ कौन सा देखो एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन कितना टी वन, तो टी की पर माइनस का थ्री हुआ। तो हम क्या देखेंगे तो एम वन एल वन टी माइनस का थ्री और यहाँ टी का स्क्वायर से अपन डिवाइड करेंगे तो टी की पावर कितनी माइनस की फोर आ जाएगी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। ओके नेक्स्ट देखो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर है, तो म्यू यहाँ पे है क्या, ये इसको बोलते हैं अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्या है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास है ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, अगेन वही प्रॉपर्टी है। तो डायमेंशन फॉर्म में ए म्यू इज इक्वल टू कौन सा, ए इज इक्वल टू कौन सा बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर है। बीमा की दृष्टि से म्यू की डायमेंशन ए के जैसी है और ये कैसी है बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर के जैसी है। लैम्डा क्या है, एक चक्कर में तय दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल, इसका मतलब ये तो काइंड ऑफ लेंथ हो गया ना। तो लैम्डा स्क्वायर तो क्या जस्ट आपका लेंथ का स्क्वायर ही हो गया, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी एल की पावर टू। अब हमसे पूछा है कि b इसमें किसके इक्विवेलेंट है, तो आप ही चेक करो, देखो म्यू इज इक्वल टू हुआ हमारे पास b अपॉन लैम्डा स्क्वायर और इससे b कितना हुआ म्यू इंटू लैम्डा स्क्वायर, म्यू डायमेंशन लेस है तो जो डायमेंशन लैम्डा स्क्वायर की है वो किसकी आ जाएगी b की आएगी। तो मैंने कहा था लैम्डा कैसा है लेंथ के इक्विवेलेंट, तो लेंथ का स्क्वायर मतलब जस्ट ये एरिया के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो जो डायमेंशन एरिया की है वही किसकी आएगी b की आ जाएगी। हाँ जी अगला क्वेश्चन है, यदि फोर्स और लेंथ दोनों के मात्रक हम कितने कर दें चार गुना कर दें तो एनर्जी का यूनिट कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं एनर्जी जो होती है वो होती कितनी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है फोर्स इंटू एनर्जी होता है आपका फोर्स इंटू लेंथ एफ इंटू एल कर दूं इसको मैं, जानते ना इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अब कह रहा है कि अगर हमने फोर्स और लेंथ दोनों के यूनिट को कितना कर दिया फोर टाइम्स एन डेस, इसमें कर दो इसको ई डैस, तो क्या कर दो इसको दो एन डेस इंटू एम डेस, तो एम डेस कितना फोर टाइम्स हो गया, लेंथ भी कितना फोर टाइम्स, तो ये हो गया आपका 16 nm। तो पहले अगर मैं इसका यूनिट मान लेता हूं ई न्यूटन इंटू मीटर को अगर अपन ई एज्यूम कर लें तो यहां इस पुराने वाले का कितना हो गया 16 टाइम्स, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखो अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर कोस बीटा इंटू टी, तो इस फॉर्मूले को आप चेक करें अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर इंटू कोस बीटा इंटू टी, कोस बीटा डायमेंशन लेस है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू हुआ हमारे पास एफ अपॉन वी स्क्वायर, एफ अपॉन वी स्क्वायर, कोस बीटा टी में बीटा टी हमारे पास क्या है डायमेंशन लेस, इसका मतलब बीटा टी इक्वल टू वन। इससे अपन निकालते हैं बीटा, तो हमारे पास वैल्यू कितना 1 अपॉन टी आया, आपको निकालना है अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा हमारे पास कितना देखो एफ अपॉन वी स्क्वायर अपॉन बीटा, तो 1 बाई टी, टी चला गया ऊपर, तो एफ इंटू टी अपॉन कितना वी स्क्वायर, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं एफ हमारे पास कितना देखो एम वन एल वन टी माइनस का टू इंटू कितना टी वन अपॉन वी स्क्वायर,
एल टू टी माइनस का 2, इसको अपन सॉल्व करें। देखो तो m तो हो जाएगा आपका 1, ठीक है साहब। L1 L की पावर 2 यहां पर है, तो L की पावर माइनस का 1 कर सकता हूं, और t स्क्वायर को t स्क्वायर से अपन कर दें कैंसिल, तो t की पावर हो जाएगी 1, m1 l माइनस 1 t1, m1 l माइनस 1 t1, m1 l माइनस 1 t1, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, आपको दे रखा है दो हमारे पास कोई पार्टिकल है ए और बी, जिनके दे रखे हमको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है। तो पूछा ए और बी के जो एक्सेलरेशन उनका रेशियो क्या है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको शो करता है, एक्सेलरेशन को। तो बताइएगा मुझे ए का एक्सेलरेशन, जैसे अपन लिखे यहां पर ए ए अपॉन कौन सा ए बी, तो इसका स्लोप कितना है, टेन तीस, टेन तीस कितना होता है 1/√3, और b का कितना है, यहां से देखो ये एंगल दे रखा 30, कितना वहां 60, तो tan 60 कितना √3, तो 1/√3 × √3 कितना 1/3 आ गया साहब। तो aa upon ab is equal to 1/3, तो इसका राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट, कौन सा ग्राफ कण की विराम अवस्था को शो करता है, विराम अवस्था जिसका पोजीशन फिक्स रहे, टाइम के साथ कन्वर्ट नहीं हो, तो यहां कैसा है, पोजीशन फिक्स है s, तो ये रेस्ट में माना जाएगा, यहां इसकी पोजीशन बदल रही है, इसका स्लोप वेलोसिटी को शो करता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नेक्स्ट देखो, वेग समय वक्र और समय अक्ष के बीच घेरा गया एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, वेग और समय इनके बीच का जो एरिया होता है ये वाला, ये कौन सी क्वांटिटी को शो करता है, वी इंटू डी टी का समाकलन, जो जस्ट डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट होता है, ये विस्थापन को शो करता है, और इसकी हेल्प से अपन विस्थापन और दूरी दोनों फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर सम करते हैं डिस्प्लेसमेंट आता है, और उनका मैग्नीट्यूड का सम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डिस्टेंस, तो जो डिस्प्लेसमेंट के रूप में आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपसे बोला कि अक्ष अक्ष के अलोंग किसी कण का डिस्प्लेसमेंट है √x = t + 1, तो वस्तु की वेलोसिटी कैसी है, तो आप इसका स्क्वायर करो। देखो इसका स्क्वायर हमारे पास कितना, x इज इक्वल टू हुआ टी प्लस वन का स्क्वायर, टी प्लस वन का स्क्वायर, तो हुआ टी स्क्वायर प्लस कितना, वन का स्क्वायर वन प्लस कितना टू टी, ये हमारे पास इसका x है, इसे पर निकालते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt, v इज इक्वल टू dx प्लस dx बाई dt, तो देखो dx बाई dt क्या लिखें इसको, 2t, 1 का कितना 0 प्लस कितना 2, तो ये वेलोसिटी है, इसे पर निकालें एक्सेलरेशन, तो हमारे पास कितना 2t का हुआ 2। तो अब आप चेक करो कि वेलोसिटी, आप देखो 2t प्लस 1 है वो हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, कभी वेलोसिटी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, और इसका जो a है कैसा कॉन्स्टेंट है, और अगर अपन इसमें ये सोचें कि एट t इक्वल टू 0, आपसे मैं पूछता हूँ t इक्वल टू 0 पर, एट t इज इक्वल टू 0, तो 2t 0 प्लस 2, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड है, और जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल एक अशून्य वेग से गति आरंभ करके नॉन जीरो स्पीड से अपना मोशन स्टार्ट करते हुए, और फिर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो लगातार इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पार्टिकल 10 मीटर रेडियस के अर्धवृत्त के अलोंग मूव कर रहा है, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है साहब 10 मीटर है, इसकी रेडियस कितनी 10 मीटर, और इसको यहाँ हाफ सर्कल को पूरा करने में कितना 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो पूछा है कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, तो वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 2r अपॉन टाइम मान लो टी, तो 2 इंटू आर हमारे पास कितना है इसका 10 अपॉन टाइम कितना है 5, इसको उड़ाओ इससे, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये पूछता है एवरेज स्पीड, तो हम निकालते कौन सा इसका डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना पाई आर आता, यानी इसको अपन कैसे लेते हैं डिस्टेंस में, तो पाई आर अपॉन टी, तो पाई इंटू आर कितना है 10 अपॉन कितना 5, इसको उड़ाएं इससे, तो ये आएगा 2 पाई मीटर पर सेकेंड। पर वो कब आता है एवरेज स्पीड पूछने पर, यहां पूछा हमको एवरेज वेलोसिटी, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा,
थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है। एक पार्टिकल विराम से कांस्टेंट फोर्स के प्रभाव में गति स्टार्ट करता है, तो बोला कि फर्स्ट 10 सेकंड में एस वन डिस्टेंस कवर करता है, तो पूछा कि प्रथम 20 सेकंड में तय दूरी उसकी कितनी होगी। तो अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता हो, कांस्टेंट फोर्स यानी उसका एक्सीलरेशन कितना कांस्टेंट हो, ऐसी इसमें गैलीलियो थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका जो एस वन एस टू और एस थ्री एस फोर यानी रेगुलर टाइम इंटरवल में फर्स्ट 10 सेकंड में अगले 10 सेकंड में अगले 10 सेकंड में तो डिस्टेंस ट्रेवल होती हैं वो सब कैसी होती हैं, 1:3:5:7। फिर बोल रहा हूँ रेगुलर टाइम इंटरवल में 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड और 10 सेकंड। तो अगर फर्स्ट 10 सेकंड में अगर डिस्टेंस को अपन कैसा एस वन को अगर मैं एस वन को एस मान लूँ तो ये कितना मेरे पास आया 3s, ये कितना हो गया मेरे पास 5s, 10 सेकंड का। तो फर्स्ट 10 में कितना है s, अगले 10 में कितना है 3s, पर हमको तो पूछा कितना पहले 20 सेकंड में, तो पहले 10 प्लस अगले 10 का सम तो कितना 4s, 4s इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो कि यदि कोई पार्टिकल विराम से स्टार्ट मोशन कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट अपन लिखें s इक्वल टू ut प्लस कौन सा हाफ at स्क्वायर। तो फर्स्ट 10 सेकंड के लिए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 0, तो s1 हमारे पास कितना 0 प्लस कितना a बाय 2, 1/2 इंटू ए, और टाइम हमारे पास कितना है 10, इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100/2 कितना 15 a, ये हमारे पास 50 a, ये फर्स्ट s1 है। अगर अपन निकालते हैं इसका कि फर्स्ट 20 सेकंड में फर्स्ट 20 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 0 प्लस 1/2 20 इंटू ए, 20 का स्क्वायर कितना हुआ देखो 400 इज इक्वल टू इस उड़ाओ तो कितना हुआ ये 200 ए, ये सेकंड आंसर हो गया, सेकंड इसका ऑप्शन सॉरी सेकंड इसका इक्वेशन हो गया। एस वन कितना 50 a और एस टू कितना 200 a, यदि एस टू बाई एस वन हम लोग करेंगे तो कितना है 200/50 कितना हुआ देखो 4/1, एस टू इक्वल टू 4s1। ये पूछता है कि फर्स्ट 10 में और नेक्स्ट 10 में कितना है, तो आंसर आपका आता है कितना 3s1, पर यहां पूछा कि फर्स्ट 10 का कितना s1 है तो नेक्स्ट 20 में कितना है, तो फर्स्ट दोनों को यानी फर्स्ट सेकंड दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा, ये आ जाएगा आपका 4s1। नेक्स्ट देखो यहाँ क्वेश्चन क्या, देखो एक लड़का अपने घर से जाता है बाजार, वापस घर पे आता है तो उसकी जो दे रखा है ना पोजीशन, ये पोजीशन और टाइम ग्राफ है। तो आप देखिएगा पार्टिकल पहले अपने घर से दूर गया 30 मीटर, वापस आया घर पे, फिर दूर गया फिर वापस आया, तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो डिस्टेंस है क्या, पहले घर से दूर जा रहा है फिर घर से वापस आ रहा है, फिर घर से दूर जा रहा है फिर घर से वापस आ रहा है, तो 30 जाने का फिर 30 आने का, तो टोटल आपसे पूछा कि एवरेज स्पीड कितनी है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है वी एवरेज, ये टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का 30 प्लस 30 अगेन जो इसका सेकंड इसका रूट जो रूट है वो कितना 20 जाना 20 वापस आना, 20 प्लस 20 अपॉन कितना टोटल टाइम इंटरवल कितना है साहब 25, तो 60 प्लस 40 100/25 4 मीटर/सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक समान गति को शो करता है, एक समान गति को कौन शो करेगा, तो एक समान गति का मतलब क्या है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए, और वेलोसिटी कांस्टेंट कौन सा है फर्स्ट, तो आगे बात ही नहीं करते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट ये देखो, एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति वो अलग होती है, तो एक समान त्वरित गति में उसका क्वेश्चन आपका अलग आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी पत्थर को टावर के ऊपर से अपन क्या करते हैं, यू वेग से फेंक रहे हैं और वो ग्राउंड पे 4u से पहुंचता है, तो हमें पूछा कि टावर की हाइट कितनी है। तो मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई टावर है, इससे किसी बॉडी को यू वेग से अपन थ्रो कर रहे हैं, वापस इस पॉइंट पे आते समय इसकी स्पीड कितनी u, फिर ये ग्राउंड पे 4u से स्ट्राइक कर रहा है, टकरा रहा है। अब देखो यहाँ यू भी इसका इस तरफ है, वी भी इसका इस तरफ है, और इसका ए भी कैसा है, डाउनवर्ड है, सब सेम डायरेक्शन में है, तो
तो सामान्य रूप से अपन लगा दें इसमें वी स्क्वायर इक्वल टू कौन सा, यू स्क्वायर प्लस टू ए, सभी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वी का स्क्वायर कितना हमारा 16 यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब इसमें दोनों सब सेम डायरेक्शन में तो उसको प्लस यूज कर सकते हो, ए का वैल्यू कितना जी इन टू एस, एस हमको फाइंड करना है, इसको इस तरफ लेके आओ तो 16 स्क्वायर माइनस का कितना 1 स्क्वायर, ये हो गया आपका 15 यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एस, तो एस हमारे पास कितना है 15 यू स्क्वायर अपॉन 2 जी, सेकेंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक पार्टिकल है या एक व्यक्ति है वो बिना अपनी डायरेक्शन को कन्वर्ट किए हुए एक सरल रेखा में मूव कर रहा है जो अपने टोटल डिस्टेंस का हाफ V1 से और सेक्स जो नेक्स्ट हाफ है वो V2 से ट्रेवल कर रहा है, तो पूछा है कि उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड कितनी है, तो जानते हैं सिंपल क्वेश्चन है सबको आता है 2V1V2 / V1 + V2। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन एक सिंपल ले रखा है, जस्ट ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसके लिए, एक कार है वो रेस्ट से, एक कार रेस्ट से नियत दर से असलेट हो रही है, विराम से स्टार्ट हो रही है, उसका कॉन्स्टेंट असलेशन है, फर्स्ट टी सेकेंड में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो अगले टी में कितना 3x। नेक्स्ट देखो, एक्स इक्वल टू है 4t³ - 6t² + 3t + 5, तो आपसे पूछा उसका आरंभिक त्वरण कितना होगा, तो एक्स से अपन निकालते हैं वेलोसिटी कितना, देखो वाह ये हो गया आपका 12t² - 12t + 3, इसका अपन निकालते हैं एक्सेलरेशन d/dt होता है, तो ये हो गया आपका 24t - 12 + 3, और हमें पूछा है इनिशियल एक्सेलरेशन यानी आरंभ में t = 0 पे, तो एट t = 0 टी को 0 पर पुट करेंगे, ये कैंसिल हो गया तो कितना -12 m/s² तो राइट आंसर इसका है थर्ड। नेक्स्ट देखो, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल आरंभ में 20 सेकंड तक 3 m/s से, अगले 20 तक 4 m/s से, और नेक्स्ट 20 यानी आपको दे रखा है कि देखो टाइम इंटरवल सबका सेम दे रखा है, t1 20 है, t2 भी कितना 20 है, t3 भी कितना 20 है, तो अगर कोई पार्टिकल रेगुलर टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड v1 v2 v3 से मूव करता है, तो आपने पढ़ा होगा इसका कि वी एवरेज जो होता है, इसका जो वी एवरेज होता है इसका वी एवरेज आपने पढ़ा है वी एवरेज इज इक्वल टू v1 + v2 + v3/3, पर शर्त क्या है टाइम इंटरवल इक्वल होना जरूरी है, तो v1 हमारे पास कितना है 3, v2 हमारे पास कितना है 4 और ये कितना है 5/3, तो 5 + 4 = 9 + 3 कितना 12 है, तो 12/3 यानी 4 m/s, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखो, एक कोई शराबी है जो किसी सीधी सड़क पर जा रहा है 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, और ये इस प्रकार से लगातार इस प्रकार मूव करता है 5 आगे फिर 3 पीछे, और ये कह रहा है कि 1 स्टेप कितना 1 m का है और 1 सेकंड उसमें टाइम लगता है, तो एक साइकिल जो है ना 5 आगे जाना 3 पीछे आना उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 m और टाइम कितना हुआ 5 + 3 = 8, तो वन जो प्रोसेस है या वन साइकिल, आप इसका जो वन साइकिल है ना वन साइकिल इसको पहले अंडरस्टैंड करें, तो वन साइकिल का मीनिंग क्या हुआ 5 और 3 का डिफरेंस कितना 2 m और इसका टाइम कितना है वो आपका है 8 सेकंड। तो अगर आप देखो ये तो आपने पहले निकालना है, फिर क्या कर रहा है कि इनिशियल पॉइंट से 11 m दूरी पर कोई एक पिट एंड गड्ढा है, तो कितने समय में गड्ढे में गिर जाएगा, तो इसको ईजी करना हो तो आप क्या काम करा करो कि पहले एक प्रोसेस का ये सारा प्रोसेस का ना कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो निकाल लो, और उसमें टाइम कितना वो निकाल लो, एक प्रोसेस का 2 है, अब इसको ऐसे करा करो टोटल डिस्टेंस हो ना 11, जो 11 है इसमें से आप आगे वाला प्रोसेस है उसका लेंथ माइनस कर दो, तो 11 - 5 कितना हुआ 6 अपॉन एक प्रोसेस की डिस्टेंस कितनी 2, तो देखो आप ये हो गया 6/2 यानी 3, टोटल जो डिस्टेंस है उसमें से जो आगे वाले स्टेप है उनको माइनस कर लो, और फिर एक साइकिल में कितना आगे टोटल मूव कर रहा है उससे इसको डिवाइड कर दो,
तो 6/2 3, 3 तो प्रोसेस कंप्लीट हो गए, तो आफ्टर 3 प्रोसेस वो कहां पहुंच गया, 6 मीटर पे, है ना। और उसको टाइम कितना लगा देखो, 8 × 3 24 सेकंड्स, तो 24 सेकंड बाद में ये 6 मीटर मूव करता है। 6 के बाद जैसे ही अगले 5 स्टेप्स आगे जाने वाले ये प्रोसेस में लेगा तो ठीक गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है। बस सॉल्यूशन सिंपल दे रखा है, उसको आप चेक कर लें। अगेन देख लो, टोटल डिस्टेंस में से एक प्रोसेस का डिस्टेंस आगे जाने वाला है, उसको माइनस कर दो, अपॉन कितना एक प्रोसेस डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो 11 - 5 कितना हुआ, 6/2, 3 प्रोसेस तो कंप्लीट हो गए। 3 प्रोसेस कंप्लीट होने पे कितना, 2 मीटर 2 मीटर 6 चला आगे, 6 मीटर पहले से आगे, फिर आगे जैसे 5 प्रोसेस यानी जो पहले प्रोसेस का यानी पहले साइकिल का 5 मीटर और आगे चलेगा तो गड्ढे में गिर जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना इसका आया, टोटल टाइम कितना हुआ साहब, 24 + 24 + 5 29 सेकंड का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक पार्टिकल दे रखा है एक्सेलरेशन और उसका आरंभिक वेग दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, तो t = 3 सेकंड पे इसका पूछा है कि वेग कितना है। तो इसमें तो बेसिक कितना काम करो, a हमारे पास आपको निकालना है v, तो इंटीग्रेशन dv इक्वल टू कितना होता है, a dt। ओके, तो आप देखिएगा आरंभ में इसका वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड, तो t = 0 पर इसकी स्पीड कितनी है 5, तो आपसे पूछा 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। तो डीवी का वी होता है ना, तो वी माइनस 5 इज इक्वल टू कितना, a dt। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो ए हमारे पास है 2t + 1 × dt फ्रॉम 0 to 3, तो 2t × dt, तो 2t² / 2, तो ये हो गया हमारे पास t² प्लस 1 dt का हो गया, 1 dt का ओनली t, और ये है 0 से लेकर के 3 तक। तो लिखें इसको, देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 प्लस कितना 3, तो कितना हुआ 12, तो v माइनस 5 इक्वल टू 12 है, तो v कितना हुआ 17 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए पार्टिकल पहले ए से बी और बी से सी मूव कर रहा है, तो पूछा है और ए सी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, r और r, तो हमसे पूछा है कि ऐसे में पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस तो ए बी प्लस बी सी होगा ना, डिस्टेंस डी जो है वो कितना होगा, ए बी प्लस बी सी, और ये एंगल दे रखा है आपने कितना, राइट एंगल, ठीक है, कोई इशू नहीं है साहब। तो इसके लिए पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा ए बी, और फिर फाइंड करना पड़ेगा कौन सा आपका बी सी, ये एंगल कितना 53 और ये कितना 37 डिग्री, तो आपको ए बी प्लस बी सी निकालना पड़ेगा साहब। तो ए बी कैसे आएगा, देखो ए बी तो ये हमारे पास 53 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का, तो एंगल के सामने कौन सा हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये आपका है हाइपोटेनस। हमको निकालना है पहले इससे बी सी निकाल ले, तो बी सी अपॉन कितना 2r, ध्यान करो देखो बी सी अपॉन 2r, तो बी सी है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी साइन, तो बी सी अपॉन 2r कितना हुआ, साइन 53 डिग्री, और इससे बी सी का वैल्यू कितना आया, 2r साइन 53 डिग्री। अगर हम लें इस एंगल को 37 को, तो इसके ठीक सामने कितना है ए बी, तो ए बी अपॉन 2r इज इक्वल टू बन गया आपका साइन 37 डिग्री। तो ए बी को अपन क्या लिख देंगे, 2r साइन 37, तो ए बी तो बात देखो 2r साइन 37, साइन 37 का वैल्यू होता है कितना 3/5, प्लस बी सी कितना आपका 2r इंटू, और 2r ये है साइन 53 जो है 4/5, तो इससे हमारे पास है 6/5 r प्लस कितना 8/5 r, तो 8/5 इसका एलसीएम कितना 5, 8 + 6 कितना 14 r/5, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी पार्टिकुलर दे रखा है वेलोसिटी अपने को इतना, तो कण का इसमें पूछा कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ऐसे में इसका पहले आप है ना कर दिया करो स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना है 180 माइनस का 16 अक्ष, वी स्क्वायर का हम करते हैं वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है 2v dv/dx इज इक्वल टू 180 का कितना 0 माइनस 16 का कितना हुआ 16, ये क्या होता है एक्सेलरेशन, तो 2a इज इक्वल टू आया माइनस का 16, तो a हमारे पास कितना माइनस का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो थर्ड इसका आंसर सही हो जाएगा।
अगेन यहां लिखा वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और पूछा एक्स इक्वल टू वन मीटर पे इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, तो सबसे पहले इसका आप कर लें स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हमारे पास कितना इसका स्क्वायर, तो कितना 4x की पावर 4 प्लस 3 का कितना हुआ 9 प्लस 3 इंटू 6 कितना 6, तो 12 है एक्स स्क्वायर। अगेन इसका आप करें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो कितना ये 2a होता है हमेशा, इज इक्वल टू कितना हुआ ये 4 इंटू 4 16x की पावर 3 और इसका 0 हो गया, ये आपका है 24x। 2 को यहां से उड़ा दें तो कितना 8, ये हो गया आपका कितना 12। तो a इज इक्वल टू है कितना 8x क्यूब प्लस 12x। हमें पूछा कि x इक्वल टू 1 मीटर पे, तो x को 1 कर दीजिएगा, 8 प्लस 12 कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक पार्टिकल सीधी रेखा में ओ एक्स पे चल रहा है, टी समय पे कण जो है उस पार्टिकल उसका जो डिस्टेंस है वो x इक्वल टू 40 प्लस 12 टी माइनस टी क्यूब है, तो कण जो है उसके विराम अवस्था तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगा, विराम अवस्था में पहुंचने में दूरी तय कितनी करेगा, तो x जो उसकी पोजीशन है कितनी है, ये दूरी नहीं इसको अपन सही माने तो पोजीशन होगा, तो x इक्वल टू कितना 40 प्लस व 12 टी माइनस का कितना टी क्यूब। तो पहले तो ये देखो कि t इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन कितना, x एट t इज इक्वल टू 0 कितना है 0 पुट करें तो 40 मीटर, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू 40 मीटर से स्टार्ट कर रहा है। अब ये पूछा कि विराम अवस्था तक पहुंचने में जब ये रेस्ट में आता है तब वो कहां पर है, उस डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, तो इससे पहले आप v निकाल लो, v हमारे पास कितना है इसका, तो v होता है dx / dt, तो हमें इस x का करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 12 t का हो गया कितना 12 माइनस कितना हुआ 3t स्क्वायर ये वेलोसिटी, तो जीरो का वेलोसिटी, जीरो का मतलब इसको अपन कर दें 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इससे सॉल्व करने पे 3t स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 12 है, तो t स्क्वायर कितना हुआ 12 बाई 3 यानी 4, तो t हमारे पास कितना 2 सेकंड आ गया। अब 2 सेकंड पे, तो t 0 पे कहां था 40 मीटर पे, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे आप इससे निकालेंगे तो 40 प्लस 12 इंटू 2 24, और ये यानी आपको यहां एक काम करना पड़ेगा कि x एट t इक्वल टू 2 सेकंड आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये 40 प्लस 12 इंटू 2 कितना हुआ 24 माइनस t की पावर 3 का मतलब 8, तो ये करीब करीब देखो हो गया 24 माइनस 8 कितना हुआ 16, तो ये होगा 56 मीटर। तो t 0 पे कहाँ था 40 मीटर पे, और t इक्वल टू 2 सेकंड में कितना है 56 पे, तो 40 मीटर से 56 गया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करी इसने 16 मीटर। नेक्स्ट देखो, एक पार्टिकल x अक्ष पे गति कर रहा है जिसका विस्थापन और समय ग्राफ आपको दे रखा है x और t, तो देखो यहां x और t नोड तक, तो x और t का स्लोप कैसा कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां वेलोसिटी कैसी है वो कांस्टेंट है, उसके बाद x कैसा है, x कांस्टेंट हो गया यानी पोजीशन फिक्स हो गई, तो पहले पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके बाद वो स्टॉप हो चुका है, रेस्ट में आ चुका है, तो पार्टिकल t नोड तक तो नियत वेग से गति करता है और फिर क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक जाएगा। ये पार्टिकल 40 किलोमीटर पर आवर से गतिशील है, कार को ब्रेक लगाता है, तो न्यूनतम डिस्टेंस कितनी 2 मीटर है, तो आपने स्टॉपिंग डिस्टेंस पढ़ी होगी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है वो इनिशियल स्पीड है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब कह रहा है कि अगर पार्टिकल अपनी स्पीड को कितना कर ले 80 कर ले, तो डी डेस अपॉन कितना डी इज इक्वल टू कर दूं यू डेस बाय यू इसका स्क्वायर, यू डेस कितना हमारे पास है 80 अपॉन कितना 40 इसका स्क्वायर, ये हो गया कितना 2 का स्क्वायर कितना 4, तो डी डेज का जो वैल्यू है वो कितना है साहब 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो 4 इंटू 2 यानी कितना हो गया आपके सामने 8 मीटर। नेक्स्ट देखो, तो अगला क्वेश्चन देखें, एक पार्टिकल एक्स अक्ष के अलोंग मूव कर रहा है, वो दे रखा है एक्स इक्वल टू 9t² माइनस का 3t³, एक्स मीटर में टी सेकंड में, तो आपसे पूछा है कि इसकी आपको निकालनी है पोजीशन, पर कब निकालें जब इसकी स्पीड कैसी मैक्सिमम है, इसमें छोटा सा करेक्शन ध्यान रखना, पहले तो x इज इक्वल टू हमारे पास है 9t² माइनस का t क्यूब,
तो इससे पर निकालते हैं वेलोसिटी वी, तो कितना हुआ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हुआ, देखो डी एक्स बाई डी टी हुआ इसका 18t माइनस 3t स्क्वायर। आपको पूछा है वेलोसिटी मैक्सिमम, इसके लिए डी बाई डी टी जीरो होना चाहिए, वी मैक्सिमम के लिए डी वी बाई डी टी जीरो होना चाहिए, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लें। तो कितना हुआ 18 माइनस का कितना हुआ 60, 18 माइनस का 60 जो होना चाहिए जीरो, तो 60 इक्वल टू 18, तो टी हमारे पास कितना आया 3 सेकंड, और 3 सेकंड पे अपन निकालते हैं इसका अक्ष, तो अक्ष हमारे पास कितना आया 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस कितना टी की पावर 3 यानी 3 का पावर 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 इंटू 9 कितना 81, 81 माइनस कितना 27, 81 माइनस का 27, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 मीटर, 54 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए पार्टिकल रेखा में गति कर रहा है जिसका दे रखा है अपने को त्वरण और समय ग्राफ, तो पूछा है पार्टिकल का वेग समय आरेख क्या होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ए और टी ग्राफ दे रखा है वेग समय, तो पहले इसमें ए टी इक्वेशन क्या बने ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो वाई इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी, तो वाई एक्सिस कौन सा ए इज इक्वल टू स्लोप कितना है इसका, देखो नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव कितना हुआ इसका 10 अल्फा, तो 4 बाई 2 यानी कितना हो गया माइनस का 2, और टी प्लस सी कितना है इसका 4, तो ए हमारे पास, तो इसको अपन ऐसे मान लें ए प्रोपोर्शनल टू माइनस का टी अप्रोक्स, इससे पर निकालते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक्चुअली है क्या समाकलन कितना डी वी, प्रोपोर्शनल कितना समाकलन कितना ए इंटू डी टी, तो टी इंटू टी यानी आप इसको चेक करोगे समाकलन, तो माइनस का टी इंटू डी टी अपन करें तो टी स्क्वायर आया ना, तो वेलोसिटी टी स्क्वायर की प्रोपोर्शनल आएगी, ऐसी स्थिति में इसका ग्राफ कैसा बनेगा पैराबोला, यानी वी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर जैसा आएगा, और ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी पैराबोला। नेक्स्ट, एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम अपने 20% बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा वो आपको पूछा गया है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी में पूछा तो के प्रोपोर्शनल होता है पी स्क्वायर, अपन लिखो इसको कौन सा के टू बाई के वन इज इक्वल टू कौन सा पी टू बाई पी वन इसका स्क्वायर, के टू हमको फाइंड करना है, के वन को अपन मान लेते हैं 100, पी वन कितना मान ले अपन 100, और इसमें इंक्रीमेंट कितना किया अपन ने 20%, तो 120 का स्क्वायर, उड़ाओ इसको कितना 1.2, 1.2 का स्क्वायर कितना 1.44, तो अब देखिए K2 हमारे पास कितना 144, यानी 100 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 हमारे पास कितना 144 आया ना, और K1 है कितना 100, तो परसेंटेज चेंज कितना K2 माइनस कितना 100 यानी 44% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी स्फीयर की रेडियस को अपने 2% बढ़ा दिया तो उसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, तो वी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू कितना 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर कितना है 2 का 3 टाइम्स कितना 6% आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नियर कैलिपर में मुख्य स्केल का एक आना, इसका मतलब रहा 1 MSD, 1 MSD इज इक्वल टू अक्ष सेंटीमीटर, उसके बाद कहा है कि वर्नियर स्केल के एन खाने, एन डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, वो मेन स्केल के एन माइनस वन जो इसके डिविजन्स है उनके, उनको कौन सा ऐड कर रहा है, तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि एन वी एस डी इज इक्वल टू एन माइनस वन एम एस डी, यानी वी एस डी के एन जो डिविजन्स है एन माइनस वन एम एस डी के संपाति है, कौन सा ऐड करते हैं इसे अपन निकाल ले 1 VSD, तो 1 VSD का वैल्यू हो गया एन माइनस वन अपॉन एन एम एस डी। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, तो VSD की वैल्यू अपन यहां से पुट करेंगे तो 1 माइनस, अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो आप एन माइनस वन अपॉन एन, और MSD अपन कॉमन ले लें, और MSD की वैल्यू हमारे पास कितनी है x सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना देखो n, और ये n माइनस 1 इंटू 1 MSD जिसका वैल्यू कितना है x सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करें देखो
एन माइनस एन प्लस वन, एन से एन कैंसिल, तो हमारे पास रहा ओनली वन अपॉन एन, तो इससे हमारे पास आंसर आ रहा है एक्स सेंटीमीटर बाई स्मॉल एन। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। एक रेजिस्टेंस दे रखा है R इक्वल टू वी अपॉन आई, और इसमें R में कितना परसेंटेज चेंज है आपको निकालना है। तो जब R हमको दे रखा है V अपॉन आई, और V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 प्लस माइनस कितना 5, और ये है 10 प्लस माइनस कितना 0.2। तो हमको मालूम है जब मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई या डिवाइड का जब अपन निकालते हैं एरर, तो उसमें डेल्टा R अपॉन जो R और मैक्सिमम पर निकालते हैं परसेंटेज में, तो होता क्या डेल्टा वी अपॉन वी प्लस कितना डेल्टा आई अपॉन आई। इसको अगर करते हैं पर 100 से मल्टीप्लाई, तो देखिएगा 5 अपॉन 100 प्लस कितना ये 0.2 अपॉन 10, और इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 अपॉन 100 × 100 कट गया, तो कितना हुआ 5.2 अपॉन 10 × 100, तो ये कितना 10 × 0.2, तो कितना हो गया साहब प्लस का 2, तो ये 7% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इससे पूछा है कि P कोई क्वांटिटी है A, B, C, इन सब पे डिपेंड कर रही है, तो P में मैक्सिमम एरर किस क्वांटिटी से आएगी, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है उसी कारण सबसे ज़्यादा एरर आएगी, और सबसे कम पूछे तो पावर कम से कम, तो B से सबसे कम आएगी और C सबसे ज़्यादा, इसका मतलब C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपको दे रखा है L और B, और प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आपको इसको ऐड करना है L प्लस B को। तो L हमारे पास कितना है देखो 2.331, और B हमारे पास कितना है 2.1, इनको ऐड करो 1.34.2। अब जब अपन ऐड करते हैं उस समय क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद कौन सी संख्या में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना 3, कम से कम कौन सा 1, तो आंसर में पॉइंट के बाद कम से कम एक ही आंसर आना चाहिए, एक ही नंबर आना चाहिए, तो 4 तक आपको करना है इसको राउंड ऑफ, 4 के बाद कितना 3 है, जो 5 से कम है इसको ड्रॉप कर दो, तो 2.4 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ जो हमारे पास है ये इस प्रकार दे रखा है, तो ए में पूछा है मैक्सिमम एरर, तो डेल्टा ए में मैक्सिमम एरर कितना होगा देखो 2 × मैक्सिमम एरर ऑफ ए प्लस कितना 3 × एरर ऑफ बी, सबको प्लस ही करना, सी की पावर 1 होता है तो कर दूँ 1 × कितना सी की परसेंटेज एरर, डी का कितना 1/2, तो 1/2 × परसेंटेज एरर ऑफ कितना डी, सबको प्लस, जो पावर है उनको आगे ला करके इसमें सबको मैक्सिमम एरर आपको निकालनी होती है, तो कितना 2 × ए में कितना साहब 1 प्लस 3 × कितना बी में कितना है 3, और ये आपका है प्लस 1 × कितना 2% और प्लस 1/2 × कितना 2, तो ये आ गया 1। तो देखो साहब कितना 2 + 9 + 1 + 2 + 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 14% के आसपास इसका परसेंटेज एरर आपको मिल जाएगा। हाँ, इसमें पूछा है कि सिग्निफिकेंट फिगर है वो किस तरह से आ रहे हैं, तो यहाँ कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 5, ये कितना 1 और 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2। नेक्स्ट देखो, ये बेसिक अपन पढ़ते हैं, 1/RC क्या है, RC टाइम इक्वलेंट होता है, RC पढ़ते हो ना टाइम इक्वलेंट, समय नियतांक कहलाता है, इसकी जो यूनिट होती है कितनी समय के तुल्य टाइम होता है, है ना, तो 1/RC क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के जैसा हो गया, L/R क्या होता है टाइम इक्वलेंट होता है, तो R/L क्या हो गया ये भी आपका फ्रीक्वेंसी होगी, √LC क्या होता है टाइम होता है, 1/√LC कितना ये भी आपका, यानी आप ध्यान रखो कि RC L/R और √LC इन सब के यूनिट कैसे सेम है, सब के सब सेकंड के तुल्य टाइम के इक्वलेंट है, इन सब का इनवर्स फ्रीक्वेंसी के जैसा होता है, C और L ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट देखो कि सामान्य आपको दे रखे हैं प्रतीक इस तरह से, तो ST क्या है, ये nवें सेकंड में तय दूरी है, डिस्टेंस अपॉन एक सेकंड है, ये वेलोसिटी जैसा ही होता है, ये वेलोसिटी है, और जो भी फॉर्मूला जिसको कि अपन काम में लेते हैं वो हमेशा न्यूमेरिकली और फिजिकली फिट होता है, तो ये आंकिक और वी में दोनों प्रकार से कैसा सही है। यहाँ देखो साहब, एक वेव इस प्रकार से मूव कर रही है, कौन सी राशि इसमें विमा युक्त है, विमा युक्त राशि कौन सी है वो आपको पता करनी है, तो देखो BT डायमेंशन लेस है, CX भी डायमेंशन लेस है, BT और CT डायमेंशन लेस है, Y का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट जैसा है, A का डायमेंशन जैसा ही है, तो कौन सा Y / A
वाई अपॉन ए, डायमेंशन लेस है साहब, वाई की डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्प्लेसमेंट है, तो वाई अपॉन ए डायमेंशन लेस, बी टी भी डायमेंशन लेस, सी एक्स भी डायमेंशन लेस, पर बी अपॉन सी डायमेंशन लेस नहीं है। देखो बी टी माइनस का सी एक्स दोनों, ये तो दोनों सेम डायमेंशन के हैं और इसलिए बी अपॉन सी अपन निकालेंगे तो एक्स अपॉन टी आएगा, ये जस्ट वेलोसिटी के जैसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहां हमारे पास है पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर और वी माइनस का बी इज इक्वल टू कितना एन आर टी। अपन पढ़ते हैं थर्मोडाइनेमिक्स में तो डब्ल्यू क्या होता है, पी डेल्टा वी, तो पी डेल्टा वी तो जस्ट एनर्जी एनर्जी की इक्वलेंट ही होता है। तो यहां देखो ये सब, ये पी ये प्रेशर का एक प्रकार है, ये भी एक वॉल्यूम का प्रकार ही है, ये प्रेशर प्रेशर ही है, तो इसको पी को वी से मल्टीप्लाई करूं मैं, या पी को बी से मल्टीप्लाई करूं, या इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, देखो ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी, तो वी से भी कट गया तो ए अपॉन वी आ गया, ए अपॉन बी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ए बी अपॉन कितना वी स्क्वायर। ये सब के सब क्या है, एनर्जी के तुल्य ही है, पी वी भी एनर्जी के तुल्य है, ए अपॉन वी स्क्वायर एनर्जी के तुल्य है और पी इंटू बी भी है, पर ए अपॉन वी स्क्वायर एनर्जी के इक्वलेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 74, यहां दे रखा है जी अपने पास एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा टाइम के इक्वलेंट है, टाइम के इक्वलेंट। तो देखें अब इसमें क्या, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, तो आप क्या करें, कम से कम जैसे एच है, सी है और जो जी, इनकी हमको डायमेंशंस है वो मोस्टली मालूम होनी जरूरी होती है। अब चूंकि हमको फाइंड करना क्या है कि इनमें से कौन सा टाइम के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब डेफिनेटली मास और लेंथ की डायमेंशन जीरो होगी, तो उसको तो काउंट करना ही नहीं है, वो तो मोस्टली सब में हो सकती है। तो इसलिए क्या करें, केवल आप टाइम की डायमेंशन को चेक करें, तो टाइम की डायमेंशन अपन चेक करेंगे तो देखो जी का डायमेंशन जो होता है ना, उसकी वैल्यू अपन लिखें तो ये होता है एम माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ओके। और जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए, प्लैंक कांस्टेंट तो एंगुलर मोमेंटम जैसा होता है, और उसकी डायमेंशन होती क्या है, एच जस्ट इक्वल टू कितना एम वी आर, और इसको सॉल्व करें तो कितना एम वन एल वन टी माइनस वन और एल वन अगेन तो एल टू, तो आप देखें इसमें ये हो जाएगा आपका एम वन एल टू टी माइनस वन। फिर हमारे पास रहा सी क्यूब, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एल वन टी माइनस वन उसकी पावर कितनी है थ्री, तो एल थ्री टी माइनस का थ्री। अब मैं कहना चाह रहा हूँ ये आपको कि आप जस्ट केवल टाइम को ही कंपेयर करें, हाँ तो टाइम कितना टी की पावर माइनस का टू टी की पावर माइनस वन, तो आप देखो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो टी की पावर डायमेंशन कितना जीरो हो गया, इसलिए ये आपका फिक्स हो गया कि जी एच अपॉन सी क्यूब, ये तो डायमेंशन लेस है, इसके जैसा ही देखो ये वाला है, इसके जैसा ही है, ये भी आपका इनवर्स में, दो तो ऑप्शन आपके पहले से कट हो गए। अब आप देखो यहाँ अगर इससे कंपेयर करोगे ना, तो जी एच अपॉन सी की पावर थ्री ये डायमेंशन लेस था, पर अगर जी एच अपॉन सी की पावर फाइव या फिर ये, इसमें से आप इसको चेक करो जहाँ पे ओनली टाइम को, तो कैसे कंपेयर, टाइम को कंपेयर करना सीखो आप, जैसे जी में टाइम क्या था, जी में टाइम हमारे पास था टी की पावर माइनस का टू, देखिए, और एच में हमारे पास कितना टी की पावर माइनस का वन, और सी की पावर फाइव यहाँ कितना है टाइम की पावर माइनस का फाइव, इसे सॉल्व करेंगे आप तो देखो ये हमारे पास कितना है वन अपॉन टी की पावर माइनस टू या टी की पावर प्लस का टू, इसका रूट हम करें तो टी हो गया। तो जस्ट ऐसे क्वेश्चंस में केवल जिसका पूछे ही पूछे कि लेंथ के इक्वलेंट है तो आप लेंथ को कंपेयर करें, ये पूछे टाइम के इक्वलेंट तो टाइम को कंपेयर करें, बाकी सब कंपेयर ना करें, इसलिए आप देखो ये आपका सही से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ दे रखा है वेलोसिटी वी, सिलेशन ए और बल हैं दे रखे हैं, तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा कितनी आएगी, तो इलास्टिसिटी जो है ना ई, उसकी जो डायमेंशन है वी और ए एफ पे डिपेंड कर रहा है, इसको ए और बी सी मान लीजिएगा, इसके डायमेंशन हमको कंपेयर करें, कंपेयर करके इसको आंसर निकालें और इसको खुद करेंगे साहब, है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक पार्टिकल अक्ष अक्ष पे गति कर रहा है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ को दे रखा है, तो ज्ञात कीजिए, वी टी ग्राफ दे रखा है, आपसे पूछा है टी इक्वल टू फोर सेकेंड पे कण का त्वरण कितना है, तो देखो यहाँ पर फोर सेकेंड पे आपको निकालना है, ठीक है,
तो अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, तो कहीं से भी आप इसको फाइंड कर लो, इसका स्लोप मैं इसको थीटा एंगल मान लूँ, तो इसका जो स्लोप है ना, इसका स्लोप यानी ए इज इक्वल टू, तो इसका स्लोप टेन थीटा ही है, तो टेन है कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये कितना है टेन अपॉन टू, टेन अपॉन टू, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट अपन निकालेंगे, तो यहाँ दो एरिया है, इसको मान लिया अपन एरिया ए वन, कितना 1/2 इंटू कितना 4 × 7 कितना 20, तो ये हो गया हमारे पास कितना 40, पर ये एरिया नीचे वाला पार्ट है तो इसको मानते हैं कौन सा नेगेटिव, इसका अपन निकालें एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 10 − 6 कितना 4 प्लस कितना 12 में से घटाओ कितना हुआ 8 इंटू कितना इसकी हाइट 10, अब इसको ये 8 + 4 कितना 12, 6 × 10 कितना 60, तो 60 तो इसका प्लस का है, 40 का ऐसा माइनस का है, तो डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 60 − 40, यानी जो आप निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वो है क्या एरिया ए वन, एरिया जो ए वन है प्लस कौन सा ए टू विद साइन, ए वन हमारे पास 60 है, ए टू कितना माइनस का 40 है, तो 20 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस पूछता तो दोनों को अपन ऐड कर देते, सम करते, तो 60 + 40 कितना हो जाता आपका 100 मीटर, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट देखो, यदि वेग दे रखा है 5t² − 2t + 10, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे इसका आपसे पूछा है सोल्यूशन, तो v से अपन निकालते हैं a कितना हुआ 10t − 2, 2 सेकंड पे सोल्यूशन, तो a इक्वल टू 10 × 2 − 2, तो ये हो गया आपका 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीनार की चोटी से एक पत्थर पृथ्वी पर गिराते हैं तो जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लेता है, तो इसकी हाइट कितनी है, तो h इक्वल टू कितना 1/2 × gt² तो 1/2 × कितना 10 × 4² = 16, तो ये हो गया आपका 80 मीटर, और वैसे 4 सेकंड में कितना 5 + 15 + 25 + 35, इनको भी आप ऐड करो तो कितना हुआ 80 मीटर की हाइट है वो हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ष अक्ष पे गतिमान एक पार्टिकल का वेग समय बक्कर आपको दे रखा है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो वी टी ग्राफ का जो एरिया है आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, तो ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इसका एरिया होगा ना, तो 1/2 × कितना 6 × 8 अपॉन टाइम कितना 8, 8 से 8 कैंसिल, 6/2 कितना 3 मीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, तो एस और टी ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला टी की पावर 2 है। नेक्स्ट, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ वी वेग से अपन फेंकते हैं तब इस तरफ प्राप्त हाइट कितनी है एच, तो अधिकतम ऊंचाई को 3 गुना करने के लिए गेंद को फेंकने का वेग कितना होना चाहिए, आपको हाइट कितनी 3 टाइम्स करनी है, तो आपको मालूम है हाइट जो होती है प्रोपोर्शनल कितनी होती है, एस होता है ना u² / 2g होता है, तो u² / कितना रूट एस हो गया ना, तो हाइट वेग कितना होना चाहिए, तो u′/u = कितना √s′/h, एस डेज कितना 3h/h, उड़ाओ इससे कितना 3, √3 हो गया साहब, तो यू डेज का मान हमारे पास कितना 3√3u हो जाएगा, √3v इसका आंसर एग्जैक्ट है। नेक्स्ट, किसी मीनार की चोटी से छोड़ी गई वस्तु अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर दूर तय करता है, अंतिम दो में 40 का मतलब 25 + 35, तो कितना हुआ, सॉरी 40 मीटर का मतलब हो गया 15 + 25 अगर वो ट्रेवल कर रहा है अंतिम 2 सेकंड में, तो 40 मीटर हो गया, तो फर्स्ट कितना होता है 5, किसी बॉडी को अपन थ्रो करते हैं विराम से, तो पहले में 5, फिर कितना 15, फिर कितना 25, इस तरह से आपसे पूछा गया है, तो अगर अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर है तो इस तरह से इसको ट्रेवल करना पड़ेगा, तो टोटल हाइट कितनी आएगी 45 मीटर। मान लो ऐसे कहा था कि जैसे मान लो ये है 5 + 15 = 25 और 35, तो ये हो गया कितना 60, ये कहता ना कि अंतिम 2 सेकंड में 60 मीटर ट्रेवल कर रहा है,
तो कुल समय कितना 4 सेकंड होता था। तो ये सारा इसी तरह से हो जाता है सब। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 85। एक कोई बॉडी हमारे पास ए, उसको अपन सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड है उसको थ्रो कर रहे हैं, प्लस जो उसकी वी नोट है, और इसी टाइम पे हम किसी बॉडी बी को एस हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। तो ऐसे आप देखो इसमें कि मान लीजिए एक पार्टिकल हमारे पास है ए और ये मान लीजिएगा बी, सॉरी इसमें आप ऐसे सोचें कि ये मान लीजिए पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल हमारे पास कौन सा है बी। ए को हम क्या करें वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं किससे, वेलोसिटी वी नॉट से, और बी को जस्ट हम ड्रॉप कर रहे हैं, बी को जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है इनिशियली जीरो। अब ये भी दे रखा है दोनों के बीच की हाइट कितना है h, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये दोनों कहां पे मिलते हैं s by 2 डिस्टेंस पे आपस में मिल रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं, तो उसके लिए v नॉट की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। तो जहां ये मिल रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में मिल रहे हैं वो है कितना पॉइंट, ये यहां से कितना s by 2 है, तो डेफिनेटली ये भी डिस्टेंस कितनी आपकी s by 2 है। ये रेस्ट से ड्रॉप हो रहा है और ये यहां से अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इनिशियली पहले देखो मान लो यहां से इसको आने का टाइम जो है उसको अपन t अज्यूम कर लें, तो t हमारे पास कितना हो, तो इससे t कितना हो, तो t इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना होता है 2h by z होता है, s यहां पे टोटल इसकी हाइट है जो आपने यहां दे रखी कितनी है h by 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कितना, ये आपका रूट h by z आ गया। अब इतने टाइम में जब b ऑब्जेक्ट b यहां से यहां मूव कर रहा है उतने टाइम में a h by 2 डिस्टेंस अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए अपन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे अपवर्ड मोशन का, तो s by 2 इज इक्वल टू कौन सा ut plus half at square, उसको अपन अप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारे पास कितना है v नॉट into t, t हमारे पास कितना देखो रूट ये है s by z माइनस का हाफ g into t square, इसी का स्क्वायर अपन करें तो कितना s by g, s से s कैंसिल s by 2 हो गया, इसको अपन लाएंगे इस तरफ, तो s by 2 plus s by 2 कितना हुआ h इज इक्वल टू v नॉट into रूट s by z। ओके अब इसको सॉल्व करके हमको v नॉट फाइंड करना है, तो v नॉट इज इक्वल टू ये हो गया देखो h into रूट g by h। अब इसे सॉल्व करेंगे तो h यहाँ पे अगर इसको अपन स्क्वायर के साथ ले जाए अंदर, तो h स्क्वायर into g अपॉन h और h से h कैंसिल हो गया, तो रूट h g इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, ठीक है। t इक्वल टू जीरो पर एक t इक्वल टू जीरो पर प्रति सेकंड से 10 ग्राम के दर पिंड को 10 मीटर की चाल से अपन फेंक रहे हैं, यानी एक ग्राउंड मान लो यहां से किसी वस्तु को अपन फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये फर्स्ट पार्टिकल ए है। एक सेकंड के बाद दूसरा समान द्रव्यमान आफ्टर 1 सेकंड यहां से दूसरा पार्टिकल फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, तो इस क्षण पर प्रथम पिंड कहां होगा आफ्टर 1 सेकंड, तो 1 सेकंड बाद इसकी हाइट कितनी आएगी, इसकी डिस्टेंस आप पढ़ते ना एस इक्वल टू कौन सा यूटी और ऊपर माइनस का करता हूं हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू कितना है 10 माइनस 1 माइनस कितना 10 बाय 2 कितना 5, तो 5 मीटर पे होगा, कहां होगा पोजिशन इसकी 5 मीटर पे। हाँ जी अगला क्वेश्चन है कि 100 मीटर ऊंची मीनार से गेंद को अपन गिराते हैं, उसी क्षण नीचे से अपन एक वस्तु को फेंक रहे हैं 50 मीटर पर सेकंड से, एक बॉडी यहां एक बॉडी यहां है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, और एक बॉडी को ड्रॉप किया है दूसरे को अपन ने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, और इनिशियल इनकी जो वेलोसिटी कितनी है रिलेटिव कितनी 50, और इसका रिलेटिव ए कितना होता है 0, ऐसे में रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है 100 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 50, तो इस 50 इसका मतलब 2 सेकंड बाद ये आपस में मिल जाएंगे। M1, M2 और M3 तीन पार्टिकल आपको दे रखे हैं और वो एक ही पॉइंट से फ्रिक्शन लेस सरफेस में गिर रहे हैं, तो फ्रिक्शन लेस अगर कहीं भी सरफेस होती है तो वहां तो एनर्जी कन्वर्जन लागू होता है, और ऐसी स्थिति में उनका पृथ्वी पे पहुंचने का वेग हमेशा इक्वल होता है रूट टू जी एस, यानी ये कहना चाह रहा है मान लो अपने पास 3 पाथ हैं पर सारे कैसे फ्रिक्शन लेस हैं, और हम सेम पॉइंट से किसी M1 मास को M2 को अगर यहाँ रिलीज करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन के अनुसार यहाँ जो लोवेस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड आती है वो रूट टू जी एच आती है, और एच यहाँ पे वर्टिकल हाइट हुआ करती है साहब, तो सबकी स्पीड कैसी इक्वल आएगी, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एक पार्टिकल एक्सिस में मूव कर रहा है, आपको दे रखा है वी इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 8, तो जब कण का वेग न्यूनतम होता है उस समय कण की पोजिशन क्या है आपसे पूछी जा रही है, कण का वेग न्यूनतम होता है
तो मिनिमा मैक्सिमा के लिए क्या होगा कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, जीरो। तो डीवी बाई डी एक्स जीरो यानी 2x माइनस का 4 इक्वल टू जीरो। तो इसको जीरो करें तो हमारे पास 2x इक्वल टू 4 इक्वल टू जीरो, तो x हमारे पास कितना 4 बाई टू 2 मीटर आ गया ये आंसर। उस समय इसकी स्पीड कितनी है वो अपन निकालते हैं, वो इसकी मिनिमम आएगी। तो वी मिनिमम कितना आएगा देखो, 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 और प्लस कितना प्लस 8। तो 4 माइनस का 8 और प्लस का 8 ये से कैंसिल, तो कितना 4 मीटर पर सेकेंड ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ ये आपके 90 क्वेश्चंस कंप्लीट है और ये अपन करें समाप्त। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी।